आज हमने 10 बच्चों का डांस देखा, किसी ने ज्यादा अच्छा किया तो किसी ने कम अच्छा किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हर बच्चे ने दिल से कोशिश की डांसर ऑफ द ईयर बनने की। लेकिन ये डांसर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो हम किसी एक ही बच्चे को देंगे, और वो हम चुनेंगे इन दो बच्चों में से। सो अब मैं अपने जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और इन बच्चों को अपना फैसला सुनाए। तो बच्चों, इस साल का डांसर ऑफ द ईयर है, कम ऑन गेस, द नेम स्टार्ट्स विथ एम, से मोंटू या मानव। Any guess? So now, let me announce. इस साल का डांसर ऑफ द ईयर मोंटू या मानव, दो में से कोई भी एक हो सकता है। So, can you tell me? डांसर ऑफ द ईयर है मानव डगली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखना, जज मुझे स्टेज पर बुलाएंगे और बोलेंगे विनर मानव नहीं मोंटू है। मोंटू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो सिर्फ डमरू बजेगा, डुम डुम वाक डुम डुम वाक डुम डुम वाक डुम डुम। चुप, ए तेरा डुम डुम मत कर, डुम डुम करके दे दूंगा, समझा ना। सॉरी बॉस। अरे बॉस, अभी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो मेहर मदारी बनेगी और आपको बंदर बन के नचवाएगी, फिर आप नाचते रहे ना पूरे स्कूल के सामने। दुम, 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 दुम। चुप, चुप, चलो। थैंक यू बल्लू, अगर तुमने मानव को डांस स्टेप्स की पोएम नहीं सिखाते तो वो ये स्टेप्स याद ही नहीं रख पाता। नहीं मेहर, असली मेहनत तो तुमने की है मानव के साथ, और मानव की जीत उसी का नतीजा है। थैंक यू बल्लू, अब मैं बालवीर को बुलाती हूँ और उसे मानव की जीत के बारे में बताती हूँ, और उसे थैंक यू भी बोलती हूँ, ठीक है? हाँ। मेहर, मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे बाहर बुला रही हो। मुझे मेहर से मिलना है, और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैं ढूंढता हूँ उसे। काशी परी, परी तारा के पास प्रस्थान करे। जी रानी परी, जो आ गया। नगाड़ों की आवाज बंद हो गई, इसका मतलब एक एक करके सभी परियों ने परी तारा के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मतलब परिपल बहुत दूर नहीं है, जल्दी करो। तो वातावरण जल्दी करो। भटकाती परी, आप परी तारा के पास प्रस्थान करें। नटखट परी, आप भी परी तारा के पास प्रस्थान करें। जी रानी परी। Thank you.
आसमान में चमकता हुआ झिलमिल तारा हमें ये कह रहा है कि सारे तारों और ग्रहों ने परिपल के शुभ समय पे आने के लिए अपनी अपनी दिशा लेनी शुरू कर दी है। सातों परियों, अपने अपने दंड परी तारा के पास छोड़कर अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें। ये क्या है? सुरंग। यहाँ से परी मैदान जाने का रास्ता कहाँ है? ओ, आ गए हम लोग शायद गलत सुरंग में। हाँ, शायद नहीं काम किया मेरे उस आतालू पातालू टोकरी में आलू वाले मंत्र ने सही। पर घबराइए मत परी बहन, पर है मेरे पास एक और मंत्र, ध्यान से सुनिए। आधा वादा किसका वादा, जिसका वादा मिलेगा जाता। बोलिए। बेवकूफ, मेरा ही दिमाग खराब था, मेरा ही दिमाग खराब था। हूँ मैं जानता, ये तो पहले से आपको ही अभी पता चला। मतलब हूँ मैं निकालता कोई रास्ता। तो जल्दी निकालो। कब निकालोगे? जब परिपल आके चला जाएगा तब। तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी सुरंग में जाकर फिर से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो चलिए, अशुभ काम में देरी क्यों, चलिए है चलते। आइए आइए। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मैं? अरे बालवीर, वो मानव। मानव जीत गया ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? मैं? तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मानवी मुकाबला जीत गया है। हाँ बालवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन बालवीर, अगर तुम नहीं होते ना, तो मानव तो कभी जीत नहीं पाता। मेहर, मानव को नाचना तुमने सिखाया है। मैंने क्या किया है? तुमने तो सब कुछ किया है। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। इसलिए मेरा मानना है बालवीर कि अगर तुम मुझे वो मैजिक वाले डांसिंग शूज नहीं देते तो मैं चाहे उसको जितना भी डांस सिखा लूं, उसके अंदर डांस का कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो सीखने की शुरुआत बिल्कुल नहीं करता। ये महर, मुझे डांस की ड्रेस देने वाली थी, वो कहाँ है? ड्रेस और शूज सब मेरे पास है और ऑडिशन पे वही शूज पहनना जो मैं तुझे कहूंगी। मानव, 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 ये ले जूते। इसका मतलब मैंने खुद अच्छा डांस नहीं किया है, बल्कि बालवीर के मैजिक डांसिंग शूज ने मुझसे अच्छा डांस करवाया है। और मेरी जगह और भी कोई ये मैजिक शूज पहनता तो उतना ही अच्छा डांस करता। यानी मैं डांसर ऑफ द ईयर अपनी मेहनत और हुनर की वजह से नहीं बनाऊं, बल्कि दूसरों से बेईमानी करके बनाऊं। मैंने अपने आप से, बच्चों से, टीचर से, सबके साथ चीटिंग की है। मैं चीटर हूँ, चीटर। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो कभी जीत नहीं पाता। वरना मानव के पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज पे डांस करे। एक काम करता हूँ, मैं तेरा शूज पहनूं। मानव, मेरे शूज में कोई जादू थोड़ी ना है। मानव, ये ले जूते। मैं कहाँ थी तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था? वो सब बाद में बताती हूँ। ले पहन। स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव दगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। पर तारीफ तो तुम्हारी भी होनी चाहिए मैं, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर इस मुकाबले के आखिरी पड़ाव में मानव को नाचने वाले जादुई जूते देने की जिद छोड़ दी। हाँ, लेकिन सच कहूँ बालवीर, उस समय तुम्हारी इस बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सच्चाई और ईमानदारी से मानव ये डांस कॉम्पिटिशन जीत जाएगा।
मुझे लगने लगा था कि अभी मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी, पर बालवीर मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारे होते हुए अच्छे और सच्चे बच्चों की कभी हार नहीं होगी। तुमने भले ही कुछ पलों के लिए मुझ पर भरोसा नहीं किया मैं, लेकिन तुम साथ सच्चो और अच्छों के परिवार से हो और इसीलिए तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही बुराई और बेईमानी का रास्ता आसान और छोटा होता है और अच्छाई और सच्चाई का रास्ता लंबा और मुश्किल, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने पर मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मंजिल मिलती जरूर है। हाँ बालवीर, मैं समझ गई। अब तुम्हारी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं सात सचों के परिवार में से हूँ और मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू बालवीर। बल्लू, दे ये फोन मुझे दे, मैं दादाजी को बताती हूँ कि मानव को जिताने के लिए आखिर उनका ही आइडिया काम आया है ना। हाँ हाँ 9 8 अरे फोन बज रहा है, कोई फोन उठाओ। मेरा बज रहा है। हेलो हेलो दादाजी, मैं मेहर बोल रही हूँ। अरे बोलो बेटा, डांस कंपटीशन कौन जीता? हाँ मानव जीत गया, वो बन गया डांसर ऑफ द ईयर। और ये सब हुआ आपके सिखाए हुए डांस के तरीके से। अरे बाबा, ये तो डबल खुशी की बात है। अरे महेश बाबू, महेश बाबू, अरे महेश बाबू, महेश की माँ, महेश बाबू। बापू जी अटके, मैं सीधा करता हूँ, मैं सीधा करता हूँ। दादाजी अटके, मैं मुझे फोन देना, मैं फोन पे सीधा करेगा। सॉरी। अरे मैं सीधा ही हूँ। छुट गए। तो फिर बापू जी आप चिल्ला क्यों रहे थे? महेश मुझे लगता है कि हर बार इनका बदन अटक जाता है, इस बार इनकी जबान अटक गई है। आप मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अरे तू मुंह बंद करेगी तो मैं मुंह खोलूं? अरे अपना मानव डोटी बन गया है। अरे वाह, हाय हाय, कुछ भी बोल रहे, अपना मानव कोई कपड़ा है तो धोती बन जाएगा। माँ धोती नहीं डोटी, DOTY, मानव डांसर ऑफ द ईयर बन गया है। अरे वाह बाबू जी, आपको कैसे पता चला? अरे महेर फोन लाइन पे है। क्या कंफ्यूजन चल रहा है? सुना महेर से बात कर, महेर मुझे मानव से एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ चलिए अंदर चलिए। अरे फोन स्पीकर पे रखता हूँ। वो स्पीकर पे डाल रहे हैं। हाँ, क्या रिजल्ट क्या हुआ? मैं बात करता हूँ आपसे, बात नहीं करनी बाबूजी। मेहरा
मैं महर से बात करता हूँ। बेटा मानव कहाँ है, मुझे उसे मुबारकबाद देनी है। वो दादाजी क्या है ना, मानव स्टेज पे है और उसे DOTY की ट्रॉफी मिलने वाली है। अच्छा? लेकिन आप लोग फोन मत काटना, आप भले ही मानव को ट्रॉफी लेते हुए ना देख पाए पर आप मानव के लिए बजती हुई तालियां तो सुन सकते हैं। दादाजी सुन ना। हम मंदिर में 2 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे और नंगे पांव चल के आएंगे तेरे दादाजी, और मैं मिठाई बनाऊंगी आज सबके लिए लापसी। आज तो मानव ने मेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया। बापूजी मैं कहता था ना, मानव और मेहर में हुनर और हिम्मत की कमी बिल्कुल नहीं है, आज दोनों ने साबित कर दिया। मेहर ने हिम्मत नहीं हारी और मानव को डांस सिखाती रही और मानव भी डांस सीखता रहा। डांसर नहीं है फिर भी डांस सीखा भी और डांसर ऑफ द ईयर का कॉम्पिटिशन जीता भी। हाँ। बेटा सिर्फ तेरा नहीं सारे परिवार का सर ऊंचा किया है उसने। हाँ। आज हमारी इतनी इज्जत बढ़ाई है कि मेरी छाती ऐसे गर्व से फूल रही है। बस बस सांस फूल जाएगी। और ये सब ना मानव जब घर पे आए ना तब उससे कहना। हाँ। अभी तो उसके लिए तो तालियां बज रही है वो हम सुने। अब मैं AVP स्कूल के डांसर ऑफ द ईयर मानव दगली को स्टेज पर बुलाना चाहती हूं। ले लो लो बेटा, इट्स योर्स। क्योंकि अगर तुम मुझे मानव के लिए वो डांसिंग शूज नहीं देते तो वो कभी जीत नहीं पाता। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दादाजी शायद आपका नाम लेने वाला है। हाँ कहो, ये लो। मैं जानता हूँ आज आप सबने मेरा डांस देखकर मुझे डांसर ऑफ द ईयर चुना है, लेकिन सच ये है कि मैं डांसर ऑफ द ईयर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और ना ही मैं इस ट्रॉफी का हकदार हूं, क्योंकि ये ट्रॉफी मैंने अपनी मेहनत और हुनर से नहीं बल्कि बेईमानी और चीटिंग से जीती है।